पंजाब दे विच हाईवे ते बैठे किसानां दे वल्लों हुण उठण दा फैसला ले लिया गया। दस दिए कि बीते दिनां जदों सरकार दे नाल मीटिंग हुई है तां उस तों बाद इह फैसला किसानां दे वल्लों लिया गया। तां दस दिए कि किसानां दे वल्लों दावा किया जा रहा सी कि मंडियां दे विच किसानां दी फसल नहीं खरीदी जा रही, लिफ्टिंग जो है उसकी काफ़ी ढिली हो रही है, जिसके कारण उन्होंने यह मोर्चा खोलिया। तो दस दिए कि हुण किसानां दे वल्लों उन्हां हाईवे नूं खोलना शुरू कर दिता गया। इसी विचकार ये तस्वीर सामने आईया ने संगरूर तो, जिथे कि ड्रोन राही देखा जा सकता है कि आखिर किवें यह हाईवे खोलिया जा रहा है। हालांकि एक पासे किसानां दे वल्लों ऐलान किया गया कि वह सिर्फ हाईवे दे साइड दे उत्ते ही बैठणगे अते अपना धरना प्रदर्शन करनगे, पर हुण दूजे पासे जदों हाईवे नूं खोलिया गया तां उस समें लोकां ने भी काफ़ी राहत दी सांह ली है। तां पंजाब च झोने की खरीद नूं लैके किसानां ते पंजाब सरकार दरम्यान हुण सहमति बन गई है। किसानां ने हुण पंजाब भर में जाम किए हाईवे खोलण का फैसला किया है। दस दिए कि खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां, खुराक सप्लाई मंत्री लालचंद कटारूचक ते होर अधिकारियों ने किसानों के नाल मीटिंग की। इस मौके उन्होंने किसानों दी समस्यावां सुनिया ते भरोसा दिता कि जे किसी भी मिलर जां आड़ती ने किसानों की फसल से कोई कट लगाया है तो उसकी शिकायत आने पर तुरंत कार्रवाई करके कट की भरपाई करवाई जाएगी। मंत्री ने दसिया कि पंजाब दी मंडियां च कल शाम तक 54 लाख मैट्रिक टन झोना पुजिया है, जिन्हां दे विचों 50 तों 52 लाख झोना खरीदया जा चुका है ते तेजी दे नाल लिफ्टिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि झोने की खरीद मौके कुछ किसानों की फसल MSP रेट से नहीं खरीदी गई, इस संबंधी सरकार ने सख्त कदम चुके हैं। उन्होंने दसिया कि पंजाब हुण तक 3850 मिलर की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है ते 3000 मिलर कम अलाट किए गए हैं ते 2800 मिलर खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। खेतीबाड़ी मंत्री खुडियां ने दसिया कि कई किसानों ने शिकायत की कि DAP खाद नाल होर समान भी जबरी दिता जा रहा है, जिस पर सरकार सख्ती नाल नज़र रखेगी। फगवाड़ा शुगर मिल सामने किसानों वालों पिछले 6 दिनों तो शुरू किए गए धरने कारण लोग काफ़ी परेशान सन, क्योंकि त्यौहारों के दिन च लोगों के काम से रुझेवे काफ़ी वध गए हैं। इस तो इलावा लोगों ने रोज़मर्रा के काम लिए भी जाना हुंदा है, पर राह बंद होने करके उन्होंने लम्मा रस्ता तय करके अपनियां मंजिलों पर जाना पैंदा सी, पर हुण सरकार ते किसानां दरमियान सहमति बनन ते किसानां वल्लों धरना समाप्त करन दे ऐलान ने लोगों नूं वड्डी राहत दे दित्ती है। पंजाब दे विच हाईवे ते बैठे किसानों के वल्लों हुण उठण दा फैसला ले लिया गया। दस दिए कि बीते दिनां जदों सरकार दे नाल मीटिंग हुई है तो उस तों बाद यह फैसला किसानों के वल्लों लिया गया। तो दस दिए कि किसानों के वल्लों दावा किया जा रहा है कि मंडियां दे विच किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही, लिफ्टिंग जो है उसकी काफ़ी ढिली हो रही है, जिसके कारण उन्होंने यह मोर्चा खोलिया। तो दस दिए कि हुण किसानों के वल्लों उन्हां हाईवे नूं खोलना शुरू कर दिता गया। इसी विचकार ये तस्वीर सामने आईया ने संगरूर तो, जिथे कि ड्रोन राही देखा जा सकता है कि आखिर किवें यह हाईवे खोलिया जा रहा है। हालांकि एक पासे किसानों के वल्लों ऐलान किया गया कि वह सिर्फ हाईवे दे साइड दे उत्ते ही बैठणगे अते अपना धरना प्रदर्शन करनगे, पर हुण दूजे पासे जदों हाईवे नूं खोलिया गया तां उस समें लोगों ने भी काफ़ी राहत दी सांह ली है। तां पंजाब च झोने की खरीद नूं लैके किसानां ते पंजाब सरकार दरम्यान हुण सहमति बन गई है। किसानों ने हुण पंजाब भर में जाम किए हाईवे खोलण का फैसला किया है। दस दिए कि खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां, खुराक सप्लाई मंत्री लालचंद कटारूचक ते होर अधिकारियों ने किसानों के नाल मीटिंग की। इस मौके उन्होंने किसानों दी समस्यावां सुनिया ते भरोसा दिता कि जे किसी भी मिलर जां आड़ती ने किसानों की फसल से कोई कट लगाया है तो उसकी शिकायत आने पर तुरंत कार्रवाई करके कट की भरपाई करवाई जाएगी। मंत्री ने दसिया कि पंजाब दी मंडियां च कल शाम तक 54 लाख मैट्रिक टन झोना पुजिया है, जिन्हों के 50 तों 52 लाख झोना खरीदया जा चुका है ते तेजी दे नाल लिफ्टिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि झोने की खरीद मौके कुछ किसानों की फसल MSP रेट से नहीं खरीदी गई, इस संबंधी सरकार ने सख्त कदम चुके हैं। उन्होंने दसिया कि पंजाब हुण तक 3850 मिलर की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है ते 3000 मिलर कम अलाट किए गए हैं ते 2800 मिलर खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। खेतीबाड़ी मंत्री खुडियां ने दसिया कि कई किसानों ने शिकायत की कि DAP खाद नाल होर समान भी जबरी दिता जा रहा है, जिस पर सरकार सख्ती नाल नज़र रखेगी। फगवाड़ा शुगर मिल सामने किसानों वालों पिछले 6 दिनों तो शुरू किए गए धरने कारण लोग काफ़ी
परेशान सन क्योंकि त्योहारां दे दिन च लोकां दे काम ते रुझेवे काफ़ी वध गए हैं। इस तों इलावा लोकां ने रोज़मर्रा दे काम लई वी जाना हुंदा पर राह बंद होण करके उन्हां नूं लम्मा रस्ता तय करके अपनियां मंजिलां ते जाना पैंदा सी, पर हुण सरकार ते किसानां दरमियान सहमति बनन ते किसानां वल्लों धरना समाप्त करन दे ऐलान ने लोकां नूं वड्डी राहत दे दित्ती है।